तो वेलकम बेटे, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। ठीक, हम लोग बेसिकली जो ग्रेन्स होते हैं हमारे उनको स्टोर क्यों करते हैं, बेसिकली सीड के लिए, ठीक, या फिर हम लोग क्या करते हैं उसको फूड के लिए स्टोर करते हैं। ठीक, अब कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं इनके ऊपर फंगस, ठीक है, या कुछ एक इंसेक्ट अपना क्या करते हैं इफेक्ट दिखाते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं। ठीक, फंजाई के कारण भी हमारे जो स्टोर ग्रेन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या कुछ एक इंसेक्ट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं हमारे स्टोर ग्रेन्स को डैमेज करते हैं। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं कुछ इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो क्या करते हैं हमारे जो स्टोर ग्रेन्स होते हैं इनको डैमेज करते हैं। ठीक है, इनका डैमेज कॉज करते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है पल्स बीटल। ठीक, पल्स बीटल इसका कॉमन नेम है, इसको साइंटिफिक नेम जो है क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्लोसोब्रेकस मैकुलेटस। क्या बोलते हैं, क्लोसोब्रुकस मैकुलेटस। ठीक, अब हम लोग बात करें इसे क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि इसकी जो क्लास है वो इंसेक्टा है। ठीक, इंसेक्ट है एक। ठीक, ऑर्डर क्या है इसका, कोलियोप्टेरा है, कोलियोप्टेरा। ठीक, कोलियोप्टेरा का मतलब क्या है कि जो कोलियो वर्ड है ये कोलियोस से निकला है, कोलियोस से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब होता है शीत, जिसका मतलब क्या होता है, शीत। ठीक, तो मतलब इसके जो विंग्स होते हैं, इसके जो अपर एंटीरियर रीजन होती है विंग्स की, वहां पर क्या होता है, एक शीत पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी फैमिली जो है वो क्या है, लैरिडी फैमिली है। क्या है, लैरिडी फैमिली है। ठीक, लैरिडी। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें इसके जो पल्स बीटल है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही पाया जाता है ये, ऑल अराउंड वर्ल्ड। ठीक है, ऑल अराउंड वर्ल्ड इसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है इसकी। ठीक, अगर हम लोग इसके बात करें कि जो होस्ट प्लांट होते हैं, जो होस्ट प्लांट होते हैं बेसिकली क्या होते हैं कि जो लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है, या जो दालें होती हैं, हम लोग बात करें जो पल्सेज होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं इसके होस्ट प्लांट होते हैं। और होस्ट प्लांट के अंदर हम लोग किसको ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन को। ठीक, सोयाबीन को, बीन को, सोयाबीन, बीन। ठीक, और हम लोग ब्लैक बीन को, ब्लैक बीन। ठीक है, ब्लैक बीन, पिजन बीन, हम लोग इन सब जो पल्सेज होते हैं इनको हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि ये होस्ट प्लांट है इंसेक्ट के। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे जनरल अपीयरेंस की, तो एडल्ट जो होता है इसके अंदर क्या होता है, जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है कि एडल्ट की जो लेंथ है वो 3 mm होती है लगभग, लगभग कितनी होती है, 3 mm, छोटा साइज होता है। लेकिन कई बार क्या होता है रेयर केस के अंदर हमें 4 to 5 mm भी देखने को मिलता है। ठीक, और इसका जो कलर होता है वो चॉकलेटी कलर होता है। क्या होता है ये, चॉकलेटी कलर होता है। ठीक, चॉकलेटी कलर होता है। और इसकी जो बॉडी है, जो मिड लाइन है बॉडी का, वहां पर हमें क्या दिखा देते हैं, टू स्पॉट्स दिखाई देते हैं, हमें टू स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ठीक बेटे, और इसका जो हेड होता है, बेसिकली जो हेड होता है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा शॉर्ट होता है। ठीक, स्मॉल हेड होता है, काफी ज्यादा छोटा हेड होता है इसका। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम लोग पल्स बीटल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, और हमने बात की कि क्या होते हैं इसके अंदर, जो जनरल अपीयरेंस का हमने देखा कि इसकी जो लेंथ है वो 3 mm होती है। ठीक, कलर इसका चॉकलेटी होता है, और टू व्हाइट स्पॉट्स हमें क्या देखने को मिलते हैं इसकी बॉडी के मिड लाइन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और हेड जो होता है वो क्या होता है इसका, शॉर्ट होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि लाइफ साइकिल के अंदर इसके, ठीक है, तो लाइफ साइकिल जो होता है इसका लगभग 60 to 65 days के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक, 60 to 65 days के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, लेकिन क्या होता है कि सीजन जो होता है वो डिपेंड करता है, सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका लाइफ साइकिल कितना लंबा चलेगा। ठीक, नॉर्मली जो विंटर्स होती हैं, ठीक, सर्दियों के अंदर क्या होता है कि ये जो बीटल होता है ये हाइबरनेशन में चला जाता है, तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो लंबा हो सकता है। ठीक, इससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं बेसिकली लाइफ साइकिल को शुरू करते हैं, तो हम लोग पहले पहले पढ़ते हैं इसके एग्स के बारे में। ठीक, जो एग्स है वो कहाँ पर दिए जाते हैं, जो स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं, जो स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर जो एग्स हैं वो दिए जाते हैं। ठीक, सरफेस के ऊपर दिए जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं कि जो एग्स हैं वो सीड के अंदर भी दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो एग्स हैं वो सीड के अंदर भी दिए जाते हैं। ठीक, और जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा छोटे एग होते हैं। ठीक है, शॉर्ट एग्स होते हैं। ठीक, और ट्रांसल्यूसेंट एग होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक, ट्रांसल्यूसेंट एग्स होते हैं। ठीक है, व्हाइटिश होते हैं थोड़े, क्या होते हैं, थोड़े व्हाइटिश होते हैं। क्लियर बेटे, और सिंगली क्या होते हैं, सिंगली ले किए जाते हैं, सिंगली ले किए जाते हैं। ठीक है, मतलब क्लस्टर की फॉर्म में नहीं दिए जाते, सिंगल सिंगल जो एग होता है उस टाइप से एग लेइंग होती है इसके अंदर।
ठीक बेटे। और ये हमने क्या देखा, ये हमने एक्स के बारे में देखा, और हम लोग बात करें कि नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है। जो एग्स होते हैं, ठीक, एक सिंगल फीमेल जो होती है वो लगभग 100 एग्स दे सकती है, ठीक, अपने लाइफ स्पैन के अंदर क्या होती है कि 100 एग्स को लेकर सकती है वो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो ग्रब्स होते हैं, ठीक, एग्स जो होते हैं इनको 4 से 5 दिन अगर क्या होता है इनक्यूबेशन पीरियड होता है, 4 से 5 दिन के इनक्यूबेशन के बाद में, इनक्यूबेशन पीरियड के बाद में क्या होता है कि जो एग्स होते हैं वहां से हैचिंग होती है और वहां से ग्रब्स बाहर आते हैं। क्या निकलते हैं बाहर? ग्रब्स निकलते हैं जो कि लार्वा होता है इसका। जो ग्रब्स होते हैं एक्चुअल के अंदर, एग्स ग्रब्स और हमने एडल्ट की जो डायग्राम है वो बना रखा है। तो ग्रब क्या होता है एक्चुअल के अंदर, काफी ज्यादा रिंकल्ड, काफी ज्यादा रिंकल्ड, ठीक, वाइट रिंकल्ड वाइट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और फ्लैशी होता है थोड़ा। क्या होता है? ये फ्लैशी स्ट्रक्चर होती है जो ग्रब्स होते हैं, छोटे होते हैं एक्चुअल के अंदर, लेकिन एडल्ट से बड़े होते हैं। कितने होते हैं? 6 mm साइज के होते हैं, एडल्ट से लगभग डबल होते हैं, ठीक, लेकिन वैसे छोटे होते हैं, 6 mm साइज होते हैं इनका। तो जो ग्रब होते हैं कैसे होते हैं, ये रिंकल्ड होते हैं, काफी ज्यादा रिंकल्ड होते हैं, हम लिख सकते हैं इनको हाईली रिंकल्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिंकल्ड होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं और फ्लैशी होते हैं, 6 mm इनकी लेंथ होती है, ठीक। हमने ग्रब्स के बारे में जाना। अब जो ग्रब होता है ये क्या करता है, प्यूपा स्टेज के अंदर एंट्री करता है, ठीक है, अपने आप को प्यूपेट करता है, और प्यूपेट करने के अंदर क्या करता है कि अपने आप को एक कवरिंग के अंदर बंद कर लेता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्यूपा बोला जाता है। और जो प्यूपा होता है, ठीक, जो प्यूपा होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि जो प्यूपेशन पीरियड होता है वो 4 दिन का होता है समर्स के अंदर, ठीक, लगभग 4 दिनों के अंदर जो प्यूपा होता है वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है, प्यूपेशन पीरियड जो होता है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमने बात की कि सर्दियों के अंदर क्या होता है काफी लंबा चलता है, तो ये 28 डेज के अंदर भी हो सकता है, ठीक। तो ये था प्यूपा के बारे में। अब क्या होता है कि प्यूपा से जो नेक्स्ट स्टेज बाहर निकलती है, ठीक है, प्यूपा को क्या करती है, प्यूपा से जो चीज नई एमर्ज निकलती है, इंडिविजुअल निकलता है, उसे हम लोग एडल्ट बोलते हैं, ठीक है। और एडल्ट का हमने क्या किया है कि एडल्ट के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, ठीक। तो हम लोग बात करें कि जो एडल्ट का बात करें कि जो लाइफ स्पैन होता है, एडल्ट जो पल्स बीटल है इसका लाइफ स्पैन होता है 8 to 21 days। क्या होता है? 8 to 21 days इसका क्या होता है लाइफ स्पैन होता है। बेसिकली एडल्ट किसके लिए होते हैं? एडल्ट सिर्फ ब्रीडिंग के लिए होते हैं, ठीक। और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो डैमेज है, जो डैमेज है वो कौन कॉज करता है, जो डैमेज है बेसिकली कौन कॉज करता है? बेसिकली जो ग्रब्स हैं ये काफी ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं, ठीक। अगर इनका इन्फेस्टेशन जो है वो हाई हो तो ये काफी ज्यादा फसल को खराब कर सकते हैं, ठीक, जो स्टोर गेन्स हमारे उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करें कि बेसिकली ये ग्रब्स करते क्या हैं, तो ये पॉड्स होते हैं, ठीक, जो पॉड्स होते हैं, जो फली होती है एक्चुअल के अंदर, उसके अंदर जाते हैं, ठीक, और सीड के अंदर चले जाते हैं फिर। और सीड के अंदर बेसिकली जाके क्या करते हैं कि सीड कोट जो होता है टेस्टा, ठीक, आउटर सीड कोट जिसको टेस्टा बोलते हैं, सिर्फ उसको छोड़ के बाकी सारा सारा जो सीड होता है उसको खत्म कर देते हैं अंदर से, तो सीड जो है वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाता, ठीक, जो वेट होता है वो कम हो जाता है और वो यूज के लायक नहीं रहता है, ठीक। तो ग्रब्स क्या करते हैं बेसिकली काफी ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, जो ये जो पल्स बीटल है इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स हैं, जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं इनको जो नीम सीड कर्नल है, नीम सीड कर्नल है, ठीक, नीम सीड कर्नल है, उसके साथ में क्या करना चाहिए, मिक्स करके स्टोर करना चाहिए। इसके अलावा जो सैंड होती है, ठीक, सैंड की कवरिंग हमारे जो एक्चुअल के अंदर क्या करते हैं हम लोग जब स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए कि लगभग 5 mm थिकनेस की सैंड की कवरिंग होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा क्या है कि हम लोग जो लाइम है उसकी कवरिंग भी कर सकते हैं, ठीक, जो लाइम लाइम है उसकी कवरिंग कर सकते हैं, लगभग 25 mm थिक जो कवरिंग होती है, ठीक, लाइम की वो कर सकते हैं। और इससे क्या हो जाते हैं कि हमारे जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं वो क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बेसिकली जो समर्स के अंदर, ठीक, जो समर्स के अंदर क्या करते हैं हम लोग सैंड की कवरिंग करते हैं, और विंटर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली लाइम की कवरिंग करते हैं, ठीक। और एक तरीका और है कि जब हम लोग जो स्टोर हैं स्टोर ग्रेन्स हैं, ठीक है, इनको स्टोर करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें अच्छी तरह ड्राई कर लेना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से ड्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मॉइस्चर ज्यादा होता है तब जो इंसेक्ट होते हैं ये काफी ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है, इनका मैनिफेस्टेशन बढ़ जाता है। तो
ये हमने बात की पल्स बेटल के बारे में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे कि राइस वीविल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो इंसेक्ट पेस्ट है वो है राइस वीविल या फिर साइटोफिलस। ठीक, ये क्या है, वर्ल्ड का बेसिकली एक मेजर पेस्ट है। ठीक, एक मेजर इंसेक्ट पेस्ट है। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग कि जो क्लास है इसकी इंसेक्टा ही है। ठीक, क्योंकि इंसेक्ट है ये। ठीक, और ऑर्डर क्या है इसका, कॉलियोप्टेरा। ऑर्डर इसका कॉलियोप्टेरा है। ठीक, कॉलियोप्टेरा है। और जो फैमिली है वो है करकुलियोनिडी, करकुलियोनिडी। ठीक, नेडी। ठीक, अब हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये क्या है कि काफी ज्यादा वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रक्शन करता है, डैमेज करता है राइस को। ठीक, या फिर और वीट जो होता है हमारा, राइस वीट मेज, इनको काफी ज्यादा क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है बेसिकली, ये क्या है, ये होल वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है। ठीक, होल वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है। ठीक, राइस वीविल की बात करें, और ये क्या है, एक मेजर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट है। ठीक, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ये। और इसके होस्ट प्लांट जैसे कि हमने बात की वो क्या है, राइस, ठीक, वीट, राइस है, वीट है, मेज, ये क्या है इसके बेसिकली जो मेजर होस्ट प्लांट्स हैं वो हैं। ठीक, और अगर हम लोग बात करें कि इनके क्या होते हैं, राइस के ग्रेन्स होते हैं, वीट ग्रेन्स होते हैं। ठीक, उनके ऊपर ये क्या करता है, अपना लाइफ लाइफ स्पेंड करता है। अब जनरल अपीयरेंस की बात करें, अगर जनरल अपीयरेंस की बात करें तो जो अडल्ट होता है, जो अडल्ट होता है, ठीक, उसका जो साइज होता है वो 3.5 mm साइज होता है इसका। क्या होता है, 3.5 mm साइज होता है इसका जो अडल्ट है। ठीक, और जो अडल्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग रोस्ट्रम होता है, लॉन्ग रोस्ट्रम होता है, रोस्ट्रम। ठीक, रोस्ट्रम क्या है, ये वाला जो इसका एरिया है। ठीक, ये पूरा पूरा क्या है, ये लॉन्ग रोस्ट्रम है इसका। ठीक, और इसके अंदर बेसिकली है क्या कि लॉन्ग को हम लोग प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट रोस्ट्रम है इसका। ठीक, और इसके जो विंग्स हैं, बेसिकली जो विंग्स हैं यहाँ पर, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, डार्क, बेसिकली इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक, इसके जनरल अपीयरेंस के अंदर हम लोग लिख देते हैं कि इसका जो कलर है वो क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक, ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर का होता है। और इसके जो विंग्स हैं उसके ऊपर क्या होते हैं कि टू पेयर्स में इस टाइप से लाइट ब्राउन कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं इस टाइप से। ठीक, इसके जो विंग्स हैं यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इस टाइप से लाइट ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स हैं, ठीक, वो पाए जाते हैं। और जो मेल होता है, इन जनरल ऐसा देखा जाता है कि जो मेल होता है वो फीमेल इंसेक्ट से छोटा होता है। ठीक, तो मतलब जो मेल होता है, ठीक, उसका साइज जो है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, एज कम्पेयर टू फीमेल, फीमेल का जो साइज है वो बड़ा होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल है इसका वो क्या है, 28 to 35 days के अंदर कंप्लीट हो जाता है। 28 to 35 days के अंदर इसका जो लाइफ स्पैन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब बात करें कि जो एग्स होते हैं इसके, ठीक, तो फीमेल क्या करती है, जो फीमेल होती है वो अपने जो मैंडिबल होते हैं, ठीक, उसके जो मैंडिबल्स होते हैं, मैंडिबल्स जो होते हैं उनकी हेल्प से क्या करती है, जो ग्रेन होता है उसके अंदर पोर कर देती है। ठीक, और पोर करने के बाद में क्या करती है, वहां पर एग्स को ले करती है। ठीक, पोर करने के बाद क्या करती है, वो ग्रेन के अंदर चली जाती है और वहां पर क्या करती है, एग्स को ले करती है। ठीक, और एग्स को ले करने के बाद में क्या होती है, वो सील कर लेती है अपने आप को एक वैक्सी कोटिंग से। ठीक, क्या कर लेती है अपने आप को, इस टाइप से वो अपने आप को सील कर लेती है। ठीक, वैक्सी कोटिंग से। एग्स की बात कर रहे थे हम लोग, जो एग्स हैं वो क्या हैं, बेसिकली व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। एग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक, और एग्स का जो साइज है बेसिकली वो क्या होता है, 0.7 mm, क्या होता है, 0.7 mm साइज होता है। ठीक, साइज जो है ये वेरी करता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक, लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि एवरेज जो साइज है वो 7 mm है। जो ग्रब्स है बेसिकली होता क्या है कि 3 से लेकर 4 दिन तक, ठीक, गर्मियों के अंदर, समर्स के अंदर, और लेकिन ज्यादा दिन लग जाते हैं विंटर्स के अंदर, इनक्यूबेट करने पर, जब फीमेल क्या करती है एग्स को इनक्यूबेट करती है, तब वहां से क्या निकलते हैं, एग्स से ग्रब्स निकलते हैं जो कि लार्वा स्टेज होती है इसकी। और जो ग्रब्स होते हैं फिर वो क्या करते हैं, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है ग्रेन का, सॉफ्ट पार्ट होता है ग्रेन का, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, फीड करते हैं।
ठीक, क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो बेसिकली जो डैमेज कॉज करेगा वो ग्रब्स हैं, ठीक। इसके अलावा जो एडल्ट हैं वो भी डैमेज कॉज करते हैं, क्योंकि जो एग्स ले करने के लिए जो जगह है वो एडल्ट ही बनाता है, ठीक। एडल्ट और ग्रब दोनों मिलकर क्या करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं, ठीक बेटे। और बेसिकली जो ग्रब्स होते हैं, ठीक, उनके अंदर क्या होता है कि हम लोग बात करें कि वो लेगलेस होता है, उसके अंदर लेग्स नहीं होती हैं, ठीक, लेगलेस होता है, क्लियर। और हमने बात कही कि 2 to 4 days जो हैं, 2 to 4 days या 3 to 4 days जो हैं वो समर के अंदर लगते हैं, और 6 to 9 days जो हैं ये विंटर के अंदर इनक्यूबेट करने में लगते हैं, ठीक, ग्रब्स की हैचिंग के लिए। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि जो ग्रब्स होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, उनका जो कलर है वो व्हाइट कलर का होता है। जो ग्रब्स हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, उसका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है ग्रब्स का, ठीक। और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो एडल्ट होते हैं, ठीक, एडल्ट से पहले हम लोग बात करते हैं प्यूपा की। तो जो प्यूपा होता है, ठीक, जो ग्रब्स हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, प्यूपेट करते हैं। ग्रब्स क्या करते हैं, अपने आप को प्यूपेट करते हैं, ठीक। और प्यूपा जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है। जो प्यूपा है वो क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का प्यूपा होता है, ठीक। और जो प्यूपा स्टेज होती है इसकी, जो प्यूपा स्टेज होती है वो 4 से लेकर 7 दिन तक चलती है, ठीक। समर्स के अंदर हम बात करें तो 4 to 7 days चलती है, ठीक है। लेकिन अगर विंटर के अंदर बात करें तो 22, 40 to 20 days चलती है, ठीक है। तो जो पीपा होता है वो क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक। और उसके अंदर जो हम बात करें कि समर्स के अंदर उसकी जो एज है, ठीक, या डेज है, वो 4 to 7 days तक उसकी जो स्टेज लास्ट होती है, ठीक। ये जो पीपा स्टेज है 4 to 7 days तक चलती है, और 14 से 20 दिन तक चलती है ये गर्मियों के अंदर, सॉरी विंटर्स में, ठीक। और इसका जो साइज होता है 2.5 mm होता है, ठीक। लेंथ अगर बात करें इसकी प्यूपा की तो 2.5 mm इसका क्या होता है, लेंथ होती है, ठीक। एडल्ट के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक। एडल्ट का जो हमने जनरल अपीयरेंस के अंदर बात की है, ठीक। और फिर क्या होता है, प्यूपा से क्या होता है, एडल्ट बाहर निकलता है। प्यूपा से क्या निकलता है, एडल्ट बाहर निकलते हैं, ठीक। अब डैमेज की बात करें तो डैमेज ये कौन कौन करता है, इसके अंदर हमने बात की कि ग्रब और एडल्ट दोनों मिलकर क्या करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं, ठीक। और डैमेज के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो सीड्स होते हैं, ठीक है, या हम लोग बात करें ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक, ग्रेन्स के अंदर अगर इसका हैवी इन्फेस्टेशन है, ठीक है, काफी ज्यादा हैवी इन्फेस्टेशन है, तो 50% जो क्रॉप है, जो 50% क्रॉप है, ठीक है, जो स्टोर ग्रेन्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं, ठीक। और बेसिकली क्या करते हैं ये कि बाहर वाला आउटर जो कोट होता है ग्रेन का उसको छोड़ के बाकी अंदर वाला जो पार्ट होता है वो खा जाते हैं, ठीक, उसको मतलब डैमेज कर देते हैं। और जो सीड है फिर ये डैमेज, ये जो सीड है, ठीक है, या जो ग्रेन है ये जर्मिनेट नहीं कर पाता है, ये जर्मिनेट नहीं कर पाता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, इनका जो इन्फेस्टेशन है, इनका जो इन्फेस्टेशन है वो कब रहता है, बेसिकली जब मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठीक, मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा होता है, तब इनका इन्फेस्टेशन काफी ज्यादा हैवी हो जाता है, ठीक। तो कंट्रोल के अंदर हम बात करें कि इसका कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल के अंदर क्या है कि सबसे पहले तो हमने बात की कि मॉइस्चर के अंदर इसका इन्फेस्टेशन काफी ज्यादा हाई हो जाता है, तो जो हमने ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करना है, उनको क्या, ड्राई करके, ठीक है, अच्छी तरह ड्राई करके हमें क्या करना चाहिए, उसे स्टोर करना चाहिए, ठीक। हमारे जो गोडाउन हैं, ठीक है, जो गोडाउन हैं उन्हें क्या करना चाहिए, हमें स्टेलाइज करना चाहिए, ठीक है। अगर स्टेलाइज कर लेंगे तो क्या है कि जो इन्फेस्टेशन है उसके चांसेज है वो कम हो जाएंगे, ठीक। और होता कैसे है, वो 2.5% मेथोक्सी, 2.5% मेथोक्सी, मेथोक्सी क्लोर जो है इसको अगर हम स्प्रे करेंगे, मेथोक्सी क्लोर को 2.5% मेथोक्सी क्लोर को स्प्रे करेंगे, तो क्या होता है कि जो गोडाउन होता है वो स्टेलाइज हो सकता है, ठीक। इसके अलावा क्या है कि हमारे जो और तरीके हैं, ठीक है, इसको बेसिकली जो स्टोर गेन्स हैं इनको बचाने के, वो क्या कुछ है कि सबसे पहली बात तो क्या है कि इसको हम बात करें कि ड्राई करना चाहिए, ठीक है, ड्राई करके ही इसको स्टोर करना चाहिए, ठीक। और इसके अलावा है क्या बेसिकली कि अगर हम लोग जो स्टोर ग्रेन्स हैं, ठीक है, उसको पायरेथ्रम एरोसोल से क्या करें, स्प्रे करें, अगर वहां पर हम क्या करें, पायरेथ्रम, पायरेथ्रम एरोसोल जो है, पायरेथ्रम एरोसोल जो है अगर इसको अप्लाई करें तो जो सरफेस है ग्रेन्स की उसके ऊपर क्या है, इनका इन्फेक्शन कम हो सकता है, ठीक। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ एक टेक्निक्स हैं जो क्या करती हैं इस इंसेक्ट पेस्ट से जो स्टोर ग्रेन्स हैं उनको बचाने के अंदर हेल्प करती हैं।
ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वीट वीविल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा इंसेक्ट पेस्ट है इसके बारे में हम बात करते हैं। वीट वीविल, इसे खपरा बीटल भी बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम क्या है इसका, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। क्या है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ठीक, क्लास जो है इसकी इंसेक्ट है, ये क्या है, इंसेक्टा है क्लास इसकी। ठीक, इंसेक्ट है तो इंसेक्टा क्लास हो गई इसकी। ऑर्डर सेम है इसके कॉलियोप्टेरा, लेकिन फैमिली चेंज है डर्मेस्टिडी फैमिली इसकी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये इंडिया के अंदर बेसिकली कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा यूपी, बिहार, यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये मेजोरिटी पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो पूरे इंडिया में पाया जाता है, लेकिन इन स्टेट्स के अंदर क्या है, ये मेजोरिटी में पाया जाता है। ठीक, अब इसके होस्ट प्लांट की बात करें तो होस्ट प्लांट क्या है इसके, बेसिकली राइस है। ठीक, राइस, वीट, ज्वार, बाजरा। ठीक, ज्वार, बाजरा, और जो या और कोई ग्रेन्स के हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या है इसके, बेसिकली जो होस्ट प्लांट है। ठीक, जनरल अपीयरेंस के अंदर हम इसकी बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है वो ओवल शेप होती है। क्या होती है इसकी बॉडी, ये देखिए बॉडी है इसकी, ये क्या होती है, ओवल शेप होती है। ठीक, जनरल अपीयरेंस के अंदर लिखते हैं कि इसका जो कलर होता है, पहली बात तो क्या होता है, जो कलर है वो क्या है, डार्क ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर है। ठीक, जो इसकी शेप है, ठीक, बॉडी शेप जो है वो क्या है, ओवल शेप है इसकी बॉडी। ठीक, और इसके पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल हेड होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल हेड होता है। ठीक, तो ये था जनरल अपीयरेंस के बारे में, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक, बीटल है बेसिकली। ठीक है, शेप जो होता है इसका, हम लोग लेंथ की बात करें तो 2 to 5 mm इसकी लेंथ होती है। ठीक, और ओवल शेप होता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल इसका क्या होता है, हेड होता है। ठीक, लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है इसका 34 to 76 days तक चलता है। ठीक, लेकिन जो अडल्ट है, अडल्ट का जो लाइफ साइकिल है वो 15 to 30 या फिर 31 days तक क्या करता है, वो वेरी करता है। ठीक बेटे, और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो एग्स होते हैं, जो एग्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि फीमेल जो बीटल होती है वो बड़ी होती है मेल बीटल से। ठीक, जो एग्स होते हैं, जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े व्हाइट कलर के होते हैं, जो एग्स हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक, और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, व्हाइट होते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओवल होते हैं। शेप क्या होता है उसका, ओवल होता है। ठीक, अब इसके अंदर अगर बात करें हम लोग एग्स के साइज की, तो 0.5 mm लॉन्ग होते हैं। ठीक, जो कितना होते हैं, 0.5 mm लॉन्ग होते हैं। ठीक, और जो फीमेल है वो लगभग क्या करती है, 150 जो एग्स है, ठीक है, उनको ले करती है। अब क्या है कि लगभग 4 to 16 days तक इनक्यूबेट करने के बाद में, 4 to 16 days तक इसको जो एग्स हैं उसको इनक्यूबेट करने के बाद में क्या होता है, वहां से ग्रब्स निकलते हैं। वहां से क्या निकलते हैं, ग्रब्स निकलते हैं। ठीक, और वहां से होता क्या है कि बेसिकली जो ग्रब्स हैं, वो क्या होते हैं, इनकी जो शेप होती है, ठीक, वो इस टाइप से थोड़ा क्या होते हैं, लॉन्ग शेप होती है इसकी इस टाइप से। और जो बॉडी है वहां पर क्या पाए जाते हैं, काफी ज्यादा हेयर्स पाए जाते हैं, तो इसका जो ग्रब होता है बेसिकली वो क्या होता है, हेयरी ग्रब्स होते हैं। ठीक है, जो ग्रब्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ग्रब्स हैं वो हेयरी हैं। ठीक है, हेयरी अपीयरेंस हमें उसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक, एक्चुअली लार्वा होते हैं। ठीक, और जो ग्रब्स का पीरियड है, ठीक है, ग्रब स्टेज जो है ये मेल और फीमेल के अंदर वेरी करती है। ठीक है, एक्चुअल के अंदर जो अडल्ट जो ग्रब होता है, ठीक है, फुली ग्रोन जो अडल्ट होता है वो 5 mm साइज तक का हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें कि जो ग्रब स्टेज है ये कितने दिनों तक चलती है, तो मेल और फीमेल के अंदर ये थोड़ा लंबा इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक, जो मेल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि 19 to 27 days तक क्या होती है लगभग ये चलती है जो ग्रब स्टेज होती है, लेकिन फीमेल के अंदर थोड़ी ज्यादा लंबी चलती है। फीमेल के अंदर क्या होती है, ये 22 to 38 days तक इन जनरल ये देखा जाता है कि चलती है। ठीक, तो ये था इसके ग्रब स्टेज के बारे में। ठीक, और ग्रब स्टेज करती क्या है कि बेसिकली जब एग्स की हैचिंग होते हैं, ग्रब वहां से बाहर निकलते हैं, और जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स के जो एम्ब्रियो होते हैं, ठीक, ग्रेन्स के अंदर बेसिकली सीड होते हैं, क्या जो सीड के अंदर बेसिकली एम्ब्रियो होते हैं उसको ऊपर क्या करते हैं, ये फीड करते हैं। ठीक, और फीड करने के बाद में क्या होता है कि जो
ग्रब्स होते हैं अपने आप को क्या करते हैं, प्यूपेट करते हैं और प्यूपा स्टेज के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, प्यूपा जो स्टेज होती है वो क्या होती है, डर्टी ब्राउन कलर का प्यूपा होता है इसका, डर्टी ब्राउन कलर का क्या होता है इसके अंदर प्यूपा होता है। ठीक, और जो प्यूपा होता है इसका साइज क्या होता है, इसका जो साइज है ठीक वो साइज क्या होता है, लगभग 3 to 4 mm इसका साइज होता है। ठीक, 3 to 4 mm, कई बार वेरी करता है, 5 mm तक चला जाता है। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो प्यूपा है वो 4 to 17 days तक क्या होता है, 4 to 17 days तक इसकी जो प्यूपा स्टेज होती है वो चलती है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है कि वहां से जो प्यूपा है ठीक है वहां से एडल्ट बाहर निकलता है, और एडल्ट की हमने क्या किया, जनरल अपीयरेंस के अंदर बात कर ली है। अब जो बेसिकली इसके अंदर जो डैमेज है वो कौन कॉज करता है, इसके अंदर डैमेज जो है वो ग्रब्स कॉज करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो ग्रब्स होते हैं ये क्या है, डैमेज कॉज करते हैं, और ये करते क्या है, बेसिकली जो एम्ब्रे होता है सीड के अंदर, जो ग्रेन के अंदर एम्ब्रे होता है उसको डैमेज कर देते हैं। ठीक, और इसके कारण क्या होता है कि जो सीड होते हैं या जो ग्रेन्स होते हैं उनकी क्वालिटी जो होती है और क्वांटिटी वो भी कम हो जाती है। ठीक है, क्वालिटी खासकर कम हो जाती है, वेट उनका कम हो जाता है और जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक, कंट्रोल कैसे किया जाए कि बेसिक जो सारे सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं ठीक है, इनको कंट्रोल करने का बेसिक तरीका क्या है कि जो अपने ग्रेन्स हैं ठीक उनको अच्छी तरह ड्राई करें, उन्हें क्या करें अच्छी तरह से ड्राई करें, और ड्राई करने के बाद में उसको क्या किया जाए, उसको स्टोर किया जाए। ठीक, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कंट्रोल है वो कैसे किया जाए कि इसको जो सीड्स हैं हमारे ठीक है या जो ग्रेन्स हैं उनको पहले क्या करें, ड्राई करें और उसके बाद में उसको स्टोर किया जाए। ठीक, और अगर इसका इन्फेस्टेशन जो है, अगर मान लीजिए हमारे पास जो ग्रेन्स हैं ठीक है इस टाइप से पड़े हैं, और अगर अपर लेयर के ऊपर है तो हमें जो अपर लेयर है उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, अपर लेयर को हमें रिमूव कर देना चाहिए ग्रेन्स की। ठीक, और अगर जो इन्फेस्टेशन है अपर लेयर, पूरी अपर लेयर पर हो चुका है, तब हम क्या करते हैं कि गनी बैग्स का यूज करते हैं। ठीक है, गनी बैग्स का यूज करते हैं, और गनी बैग्स की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, इन बीटल्स को पकड़ लेते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक, और इसके अंदर बेसिकली है क्या कि जो ग्रब्स हैं और एडल्ट्स हैं ये दोनों क्या करते हैं, डैमेज को कॉज करते हैं। ठीक, और ये था बेसिकली हमारा जो खपरा बीटल है या जो व्हीट बीटल है इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे फ्लोर मॉथ के बारे में।